नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्थी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 10 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। UPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, UPSC और EPFO का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप ऑफ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696012608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं बिल्कुल फ्री हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली UPSC लिखेंगे आप लोग तो आपको ये फ्री चैनल मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, देखिए आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये वाले हैं। देखिए PM जी ने अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उज्ज्वला का जो है सेकंड वर्जन लाने की बात करी है अभी UP से ही। ठीक, पहले वाला भी UP से ही थे, देखेंगे पूरी चीज़। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिक्स करके लगाओ तो ICMR ने बोला है कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, बात करेंगे इसके बारे में भी। विद्युत संशोधन विधेयक 2021 लाया गया, इसमें कई सारे स्टेट जो है इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है सारी चीज़ें देखेंगे। नेशनल हेल्थ है आपका हार्ट फेलियर बायो बैंक, ठीक है ना, नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक है, इसके बारे में जानेंगे। मंगल ग्रह के नमूने एकत्रित करने का नासा का प्रथम प्रयास, हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, नासा फर्स्ट अटेम्प्ट टू कलेक्ट मार्स सैंपल। ठीक, अब देखते हैं सारी न्यूज़ जो है विस्तार से। देखिए ये प्रधानमंत्री जी जो हमारे है उज्ज्वला योजना क्या था कि LPG का, पहले तो यही योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की पहली सामाजिक, समाज से संबंधित, सोसाइटी संबंधित पहली ये स्कीम थी। ठीक, इसमें क्या कर रहे थे, फ्री कनेक्शन दे रहे थे, LPG का कनेक्शन दे रहे थे। ठीक, फ्री कनेक्शन था खाली, किसको, जो महिलाएं थीं BPL हाउस होल्ड की, ठीक है, गरीब महिलाएं एक तरीके से। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिज़म ये हुआ था कि भैया फ्री में कनेक्शन तो दे देते हो, स्टोव दे देते हो और उसमें जो है सिलेंडर दे देते हो, लेकिन उनका रिफ़िल कौन कराई, तो ज़्यादातर देखा गया था कि भैया रिफ़िल ना कराने की वजह से वो सिलेंडर या फिर जो स्टोव है सब ऐसे ही रखा रहा। ठीक, 1600 रुपये दिए जाते थे और फ्री कनेक्शन होता था, ये सारी चीज़ होती थी। तो उस क्रिटिज़म को एक तरीके से भरपाई करने के लिए ये उज्ज्वला 2 वाले योजना में क्या कर रहे हैं कि अब इस बार स्टोव भी देंगे, फ्री कनेक्शन भी, कुकिंग गैस का कनेक्शन भी देंगे और साथ ही साथ फ्री रिफ़िल भी देंगे। ठीक है, फ्री रिफ़िल, ये नहीं कि आजीवन जो है रिफ़िल कराया जा रहा है। ठीक, अच्छा, पहला वाला भी जो चालू हुआ था वो कहाँ से चालू हुआ था, बलिया से चालू हुआ था। ठीक, 2016 से 1 मई से, ध्यान रखना। अब की बार वाला जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट से चालू हो रहा है 10 अगस्त से। ठीक, ये सारी न्यूज़ है इसमें, ये पूरा जो है इसमें आपका बताया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये 2000, अच्छा, पहले वाले में क्या था कि करीबन 5 करोड़ वैसे रखा गया था लक्ष्य, लेकिन 8 करोड़ से ज़्यादा हो गया था, जैसा हम लोगों ने पीछे कवर भी किया था। ठीक, और उज्ज्वला 2.0 जो है जिसमें 10 मिलियन, अच्छा, पहले वाले में 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन की बात करी गई थी, इस बार जो है कनेक्शन और रिफ़िल दे रहे हैं तो इस बार 10 मिलियन की ही बात करी जा रही है। ठीक, और इसमें भी वही पुअर जो पीपल हैं, महिलाएँ हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। और ये चीज़ जो है निर्मला सीतारमण जी ने 2021 के बजट में ये चीज़ बोली भी थी कि इस तरीके की स्कीम आने वाली है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है साफ साफ, फर्स्ट फ्री फर्स्ट रिफ़िल और स्टोव दिया जाएगा, डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन होगा और जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं लोग। माइग्रेंट फैमिली के लिए अलग से गैस कनेक्शन मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए UP में कोई है बंदा और वो माइग्रेट करके महाराष्ट्र चला गया तो उसको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है उज्ज्वला 2 स्कीम जो है उसमें माइग्रेंट को रिक्वायर्ड नहीं है कि अपना वो सबमिट करे राशन कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ। जैसे UP वाला बंदा चला गया महाराष्ट्र में तो उसको जो है अपना राशन कार्ड देना है, एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं है,
सेल्फ डिक्लेरेशन करके जो है उसको यूज़ किया सकता है, फैमिली डिक्लेरेशन और प्रूफ एड्रेस खुद से बता दे उसको मान्य होगा। ठीक, तो एक स्कीम हो गई हमारी पहली। दूसरा क्या है कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो है रिसर्च से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित जो है ये आपका संस्था है, और इसने ये कहा है कि भैया हमारे यहाँ भारत में जो मेन दो वैक्सीन चल रही है कोविड से निपटने के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को मिक्स कर लो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने जो है कोवैक्सीन लगवाई थी अभी पीछे, तो क्योंकि मुझे ऐसा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि डेल्टा वेरियंट जो है उसमें एफिकेसी कोवैक्सीन की ज़्यादा थी, तो हालांकि डबल प्राइस में मुझे मिली, फ्री नहीं मिल पाया है कोई भी स्लॉट यहाँ पर, डबल प्राइस में थी तो मैंने वहीं लगवाई कि भैया डेल्टा से चलो बचना है क्योंकि अब तो म्यूटेट कर रहा है। अब इन्होंने नई चीज़ बता दी है तो अब मुझे चूज़ करना पड़ेगा भाई कि हो सकता है कि मैं कोविशील्ड भी लगवा लूँ, तो ये चीज़ है। और आप लोग भी इस तरीके से सोच सकते हो क्योंकि ICMR बोल रही तो इन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा, हालांकि पहले कई लोग का गलती से जो है मिक्स हो गई थी तो काफ़ी हल्ला हुआ था कि ये गलती मतलब ये मिक्स कर दी गई, पता नहीं क्या परिणाम होंगे। अब जो है UP में इन लोगों ने किया, यहाँ पे टेस्ट वेस्ट हुए हैं तो उसमें देखा गया कि भैया जो हमारी प्रभाव इसकी हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, ठीक, ये काफ़ी जो है बढ़ के जाती है अगर हम मिक्स लगाते हैं दोनों। अच्छा, कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड है यानी कि किल्ड इसमें वायरस हम डालते हैं, कोविशील्ड में जो है आपका काफ़ी दबा कुचला टाइप का जो है वैक्सीन मतलब वायरस होता है, वायरस का एक अंश होता है, वहीं जो कांटे वाला बताया था ना हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा है, तो दोनों का तरीके का अगर जा हमारे शरीर में जा रहा है तो मेरे ख्याल से ICMR ने और टेस्ट वेस्ट करके ये बोला है कि भैया हमारा जो हमारी इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहतरीन हो जाती है ये कहा जा रहा है। ठीक, ये बेटर रिजल्ट आए हैं और इस रिपोर्ट का नाम जो है बड़ा ख़तरनाक अंग्रेजी और नाम था सेरेंडिपिटियस COVID-19 वैक्सीन मिक्स, इसका जो है आपका उत्तर प्रदेश में किया गया, इंडिया सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी असेसमेंट ऑफ ए हेटरोलोगस रेजीम हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द मेडरिक XIV पे जो है इसको अपलोड किया गया था, इस रिपोर्ट के मतलब ट्रायल्स के जो है रिजल्ट 18 लोगों को जो है दोनों मिक्स करके दी गई वैक्सीन, 40 लोगों को जो है आपके कोविशील्ड दी गई और 40 लोगों को जो है कोवैक्सीन दी गई, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट निकाला गया है। ठीक, फाइंडिंग में यही बताया गया भैया कि इम्यूनिटी जो है बढ़ जा रही है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है शरीर की बढ़ रही है वायरस से निपटने के लिए। कोवैक्सीन आपको पता है, कोविशील्ड जो है पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, एडिनो वायरस वैक्टर वाला है ये, और कोवैक्सीन जो होता है इसको भारत बायोटेक बना रहा है। ठीक, और जो है इसको ICMR ने बोला है कोविशील्ड और दोनों को लगाओ तो ज़्यादा अच्छे जो है रिजल्ट आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। ठीक, तो ये सिंपल चीज़ थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत संशोधन विधेयक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, ये अभी लाई है गवर्नमेंट। और देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जो लोग दिल्ली में रहे हैं या मुंबई में रहे हैं तो उनको कई मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स होंगे जो बिजली बिल विल जो है बिजली प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर मतलब यहाँ पे बोलूँ तो अगर वाला आसान भाषा में जो चलता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कंपनीज या फिर इनको बोलो वितरण कंपनियाँ बोल सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी की, तो दिल्ली और मुंबई में प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, अनिल भाई धीरू भाई अंबानी और टाटा वाटा की जो है कंपनियां करती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, तो ये डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वितरण कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की। ठीक, अब जो बाकी जगहों पे ये तो महानगरों की बात हो रही थी, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या होता था कि लोग हम चूज़ भी कर सकते हैं कि भैया हमको कौन सा लगवाना है, प्राइवेट प्लेयर हैं अलग अलग हैं, जैसे हम सिम खरीदने जाते हैं तो जियो का लेना है, एयरटेल का लेना है या फिर वोडाफोन का लेना है, ये हम चूज़ कर सकते हैं ना, वैसे ही बिजली वाले में इन महानगरों में कर सकते थे। अब जो संशोधन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में वो ये किया गया है कि हर जगह अब जो डिस्कॉम्स हैं, ठीक, वो प्राइवेट प्लेयर्स हो जाएंगे और हर जगह जो है प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे, प्राइवेट ही प्लेयर जो डिस्कॉम के तरीके से काम करेंगे और चूज़ कर सकती है जनता कि उनको कौन सा प्राइवेट प्लेयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक, अब इस पे वेस्ट बंगाल में जो है आपका जो ममता बनर्जी जी हैं उन्होंने भी विरोध किया इसका और कहा कि भैया ये तो एंटी पीपल है
और पार्लियामेंट में इस बिल को लाने से पहले जो है काफ़ी हमें सोचना समझना चाहिए। इससे क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ेगी। क्रोनी कैपिटलिज्म ये होता है कि आपका पॉलिटिशियंस या फिर जो सरकार में है और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बीच में जो है सांठगांठ हो जाती है और जो है करप्शन होता है। कैपिटलिज्म जो बिजनेस जो बड़े बड़े पूंजीवाद हैं उन लोगों के बीच में तो इससे करप्शन होता है और मतलब फ़ायदा जो है बिजनेस को ही पहुंचता है और पॉलिटिशियंस को ही पहुंचता है, जनता जो है वो फ़ायदे से महरूम रह जाती है, ये चीज़ कही जा रही है। और ये भी कहा गया है कि भैया आपका जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है भारत में जैसे रेलवेज़ में क्या होता है, मैं उस तर्ज इंटरलिंक करके आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है कि जो हम लोग जैसे रेजिडेंशियल वाले हैं ठीक, तो हम लोग की जो यूनिट्स हो पर यूनिट जो पैसा रुपया होता है वो होता है कम, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री हैं या फिर कंपनियां हैं ठीक है, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनको जो जाती है तो उनकी यूनिट का पैसा प्रति यूनिट जो पैसा रुपया होता है वो होता है ज़्यादा। तो ये एक तरीके से इसको बोला जाता है कि क्रॉस सब्सिडाइज किया जा रहा है ठीक, हमसे कम लिया जाता है और इंडस्ट्री उन लोग से ज़्यादा दिया जाता है, तो यहाँ का जो नुकसान हो रहा है डिस्कॉम्स को वो यहाँ से भरपाई कर ली जाती है ठीक, आपका इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट को ज़्यादा पैसा लगाकर, तो उसको क्रॉप सब्सिडी बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी ने जी ने या फिर बाकी जो लोग हैं उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भैया प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा तो पहली बात तो ये जो रेसिडुअल हर किसी को तो पैसा मतलब बिजली हो सकता दे ही ना, क्यों, क्योंकि इनको यहाँ से प्रॉफिट हो नहीं रहा, प्रॉफिट इनको इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ये लोग ज़्यादा फोकस करें। और जो अभी मतलब एक तरीके से सरकार का वो रहता है कि भैया हाँ सरकारी डिस्काउंट्स है कि हाँ हमें देना है ठीक, भले ही लॉस हो रहा हो देना है क्योंकि सरकार मतलब वेलफेयर उस पर मोटिव पे काम करती है, तो उस तरीके से काम नहीं होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब रेलवे से मैं इसलिए बोल रहा था कि जैसे रेलवे में हम लोग की पैसेंजर वाली ट्रेनें होती हैं और दूसरी होती है फ्रेट वाली जो मालगाड़ी होती है ठीक, तो पैसेंजर के जो है दाम और टिकट के दाम जो है कम रखे जाते हैं, यहाँ से जो नुकसान होता है वो यहाँ से फ्रेट वेट मालगाड़ी उन सब से भरपाई की जाती है, तो इसको क्रॉप सब्सिडी भी बोलते हैं। अगर इकोनॉमी मान लो अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रॉप सब्सिडी से क्या मतलब है तो आप ये तो कर लोगे ना, बस ऐसे समझ में आ गई बात ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और चेंजेस वहीं किए गए हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियाँ थी उनको डी लाइसेंस कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी आके घुस के अपना काम कर सकते हैं, अपने जो लोग हैं हम लोग जो है चूज़ भी कर सकते हैं भैया कंज्यूमर की हमें कौन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से हमें चाहिए बिजली ठीक, ये चीज़ है। निर्मला सीतारमन जी ने जो है यूनियन बजट में इसके बारे में पहले ही जो है अंदेशा करा दिया था। अभी फ़िलहाल जो है ये दिल्ली मुंबई अहमदाबाद जगहों पे जो है प्राइवेट वाले डिस्कॉम्स जो है प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डिस्कॉम्स को ये वाला जो अमेंडमेंट है ये लाने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो पब्लिक सेक्टर वाले डिस्कॉम्स हैं ठीक सार्वजनिक वाले वो बहुत ज़्यादा जो है लॉस में है, कई सारी स्कीम्स भी आई जैसे उदय स्कीम लाई गई थी ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क उससे पड़ा नहीं, तो अब लॉस में है, नए प्राइवेट प्लेयर घुस रहे हैं, प्राइवेट आपको पता है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे कि जो क्रिटिज़म हो रहा है कि जो है रेजिडेंशियल या फिर जो छोटे जो है उनको नहीं दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि अगर बिजली ऐसी मूलभूत जो सेवा है अगर ये नहीं देगी सरकार भले ही वो प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू दिलवा रही है तो इलेक्शन में काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से उन पर कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर से भी अच्छे से बिजली सभी लोग को दिलवाएगी ठीक, ये होना भी चाहिए। और यहाँ पे यही है कि जो स्कीम कई सही लाई गई लेकिन डिस्कॉम जो पब्लिक वाले थे उनका जो है काफ़ी नुकसान था लॉस था, तो इसलिए जो है अब इसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ठीक। ऑब्जेक्शन वहीं सारे हैं कि चेरी पिकिंग होगा, वो खुद ये चूज़ कर सकता है कि भैया हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वालों को ही देंगे, हम रेजिडेंशियल वालों को नहीं देंगे, हम एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को नहीं देंगे ठीक, क्योंकि वहाँ पे सस्ती बिजली जाती है। टैरिफ जो है पावर करंटली वो वहीं क्रॉप सब्सिडी वाली चीज़ जो मैंने बताई उसकी वजह से भी हो सकता है वो मना कर दें, सिर्फ उन्हीं को दें जहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिले ठीक। और यहाँ पे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि भैया जो प्रोवाइड करेंगे पावर सप्लाई वो सारे ही लोगों को करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चूज़ वूज़ करें। और एक और जो इसमें एक चीज़ है अमेंडमेंट के बाद कि एक जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑप्शन होता है RPO, कई जगह आपने सुना होगा कि छत पर जो है वो लगाओ सोलर पैनल्स और जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना तो करो ही कर लो, और उसका मान लीजिए आपने 100 आपने बनाए आपने कंज्यूम कर लिया 80, 20 बचा
तो 20 आप जो है बेच भी सकते हो। उसको क्या बोलते हैं इस फिनोमिनन को, नेट मीटरिंग बोलते हैं। ध्यान रखना, ये मैं जो वैल्यू एडिशन आपको बताता रहता हूँ ना, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं। तो ये नेट मीटरिंग बोला जाता है इसे, ठीक। और इसी टर्मोलॉजी से ही पूछेगा, देखे ना आप। अभी कल CAPF का पेपर हुआ 8 तारीख को, आप लोगों को ये कई लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया, जो लोग नहीं किए वो जब पेपर नहीं दिए कोई बात नहीं, आप लोग खुद बताना कि क्या आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ इससे, सच बताना। कई सारे 20-25 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आए हैं, ठीक। तो अगर आप लोगों को फ़ायदा होता तो प्लीज़ बात को ज़रूर जिक्र करिएगा। तो यहाँ पर जो है नेट मीटरिंग के तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है ना, तो इसमें ये होता है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट्स को खरीदना ही होते हैं, जैसे ये बेच रहे हैं यहाँ पर 80, ये 20 यूनिट, तो ये खरीदने ही होते हैं। तो अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो उनको पेनल्टी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ में ये है कि नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है, अब स्टेट और रीजनल वालों को इनसे पूछना पड़ेगा, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि भैया कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक। ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है GS पेपर 3 से, साइंस से रिलेटेड है ये, नेशनल हार्ट फेलियर बायोबैंक, ठीक। अब समझो हो क्या रहा है, मेन तो एक चीज़ आपको पहले बताते हैं संदर्भ क्या है। COVID-19 के बाद से कई लोगों को दिल का दौरा पड़ने से, हार्ट फेलियर की वजह से मृत्यु हो रही है, ठीक। अब होता क्या है कि जब हार्ट फेलियर या फिर कोई हार्ट का मरीज होता है, उसका कोई इलाज होना है, तो हमारे पास पहले से कोई जो है सैंपल होता ही नहीं है कि हम उस पर कुछ रिसर्च कर पाएँ, उस पर देख सकें कि भैया कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कुछ हमारे पास स्पेसिमन होगा, कुछ ब्लड हो, कोई जो है उसमें जो है जो भी टिश्यूज़ होते हैं जो ब्लड से हार्ट से रिलेटेड वो हों, तो हम उस पर कोई रिसर्च करके कुछ अपना जो है मेडिसिन बना सकते हैं, या फिर आगे भी उस तरीके कोई केस हो रहा तो उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो अब यहाँ पर श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पर भारत का पहला नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऐसे लोग जो लोग ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं या फिर हार्ट से रिलेटेड जो है अपना इलाज करवा रहे हैं, तो उनसे पहले ही पूछ लिया जाता है, उनकी इच्छा अगर है तो उनसे पूछ लिया जाता है कि भाई मान लीजिए अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या आपसे हम कुछ चीज़ें जैसे कि ब्लड और जो है और भी कई सारे सैंपल जो है बायो बैंक लिखा ना, तो बायो सैंपल्स क्या ले सकते हैं ताकि आगे रिसर्च करके आगे जो है लोगों को हम बचा सकें, ठीक। तो उसी संबंधित जो है जो भी अगर वो हाँ बोल देता है तो उनका जो है बायो सैंपल रख लिया जाता है, उस पर रिसर्च होती है और फिर जो है लोगों को अगर आगे मतलब बचाया जा सकता है। इसमें ब्लड है, बायोप्सीज है, क्लिनिकल डेटा है, फ्यूचर थेरेपी के लिए गाइड कर देता है। और ये पहला कहाँ पे खुला है, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज में, ठीक। ये वाली चीज़ है, भारत का पहला है बायो सैंपल, वहीं सारी चीज़ें, टिश्यू सैंपल होता है, सीरम लेता है, ओपन हार्ट सर्जरी, पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल, DNA, इन सब को जो मतलब ये हार्ट फेलियर्स के पेशेंट के अंतर्गत अंदर से निकाल लेते हैं ताकि आगे यूज़ हो सके। अच्छा, अब ये जो चीज़ें आप बायो सैंपल लेते हो, इसको बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, यानी कि -140 डिग्री तक भी रखेंगे तो कई सालों तक भी ये बायो सैंपल जिंदा रहेगा और रिसर्च के लिए काम आता रहेगा। तो आपका ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर है हमारे यहाँ आपका श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट में। अच्छा, ये इसकी लोकेशन क्या है ये बताइए, बायो बैंक की एक्टिविटी जो है इसको इसके ऊपर सुपरविज़न किया जाएगा, ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ पर भी काला धंधा चालू हो जाए। टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी जो है, ठीक, उसमें उसके द्वारा निगरानी की जाएगी इसमें, और जो है आपका ये चीज़ देखी जाएगी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, जो जिसमें कि एक मेंबर ICMR का भी होगा। सैंपल जो कलेक्ट किया जाएगा वो इन्फॉर्म भैया पेशेंट से पूछ के किया जाएगा, ये नहीं कि बेचारे की मौत हुई और तुरंत उसका ये सब निकाल लिया, ये चीज़ है, ठीक। सैंपल को स्टोर किया जाएगा, कैटलॉग करके रखा जाएगा, और फिर ताकि जो इससे हम क्लिनिकल डेटा निकाल सकें, MRI और इन सब के लिए हम अपना रिसर्च कर सकें, ठीक। सिग्निफिकेंस वही है जो मैंने आपको बताया, हार्ट फेलियर बायो बैंक बनेगा तो भैया हार्ट फेलियर पेशेंट किसी और का ना हो, और इस समय जब COVID-19 हुआ है तो ज़्यादातर लोग की मृत्यु जो है वो हार्ट फेलियर से, हार्ट की वजह से हो रही है ज़्यादातर। आप देखना जैसे कई लोगों का तो, जैसे भारत में मैं आज देख रहा था करीबन 4.5 लाख लोगों की मौत हुई है, ऑफिशियल डेटा है,
लेकिन कई लोग जो परिवार में या फिर जो लोग जो चले गए इस समय, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि वो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे गवर्नमेंट के थे, वहाँ से उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया उसमें कार्डियक अरेस्ट लिखा, ठीक है ना, कोविड नहीं लिखा। तो आप समझ सकते हो कि एक तो ये 4.5 लाख वाली जो फिगर है बहुत ही कम है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि इमीडिएट रीज़न ऑफ जो डेथ है दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट नॉट कोविड। ठीक, वो तो मतलब भी पहले था, मतलब इस तरीके से बातें बनाते हैं। तो हो तो मतलब यहाँ पे वहीं रहना, हार्ट फेल की वजह से जो है आपका मौत हो रही, तो इसमें ये वाला बैंक रहेगा, तो इसमें रिसोर्सेज करके आगे भी इन सब इस तरीके की मौतों को रोका जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ कही गई है। भारत के बाहर तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें थी, अब लेकिन एब्रॉड मतलब भारत में भी अली आ गई है, और इससे संबंधित जो मॉर्बिडिटी यानी कि रुग्णता होती है या फिर मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। देखिए, नासा ने पहला अटेम्प्ट किया मार्स पे सैंपल, मतलब पत्थर और वहाँ की जो डेब्रिस होती है, जो आपका जो बालू मतलब जो आप एक तरीके से ग्रेवल जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक, जिसको रेगोलिथ भी बोला जाता है, उसको एक जो है कलेक्ट करने की कोशिश करी नासा का। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसी का जो है कंटिन्यूएशन है, परसिवरेंस रोवर है। ठीक, देखिए तीन चीज़ें होती हैं, ये मंगल ग्रह हो गया, ये इसका ऑर्बिट हो गया, तो जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटर, और ऑर्बिट से उतर के ये इसकी सतह पे जो घूमने लगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, रोवर। ठीक, अब इस रोवर में एक जो है आपका एक ऐसा भी मतलब उसमें रोबोट है जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है। ठीक, इंजेनिटी इसको बोला जा रहा है। तो ये रोवर का नाम जो है वो है परसीवरेंस रोवर, जिसको उतार रखा है, इसमें कई सारे जो है कैमरे वैमरे बेहतरीन चीज़ें लगी हुई हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो कि मतलब ये चेक करते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें, क्या यहाँ पे पहले लाइफ थी या फिर क्या कंपोजिशन है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑक्सीजन भी बनाता है, CO2 है भैया, मंगल ग्रह के वायुमंडल में CO2 ज़्यादा है, तो CO2 से ऑक्सीजन भी बना रहा है ये। ठीक, और साथ ही साथ ये इंजेनिटी जो हेलीकॉप्टर है इसको भी उतार रहा है, छोटा सा हेलीकॉप्टर है, और साथ ही साथ ये जो है सैंपल भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहली बार में ये फेल हो गया है। ठीक, वैसे तो ये बोला गया है कि भैया जो इनका सैंपल कलेक्ट करने वाला जो रोवर के परसिवरेंस के अंतर्गत है वो बढ़िया है, लेकिन किसी कारणवश वो फेल हो गया आगे, लेकिन अब इसके लिए फिर से अटेम्प्ट किया जाएगा, कुछ मदद नासा को या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ थी अभी कि जेजेरो, अच्छा ये जो रोवर है कहाँ पे उतरा है, परसिवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर पे उतरा है। क्रेटर क्या होता है, ये इस तरीके से सरफेस पे किसी इंपैक्ट की वजह से, मान लीजिए कोई उल्कापिंड या फिर कुछ टकरा गया, तो उसकी वजह से जो ये डिप्रेशन बन गया, जो गड्ढा बन गया, उसको क्रेटर बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे मून पे भी कई सारे गड्ढे हैं, ठीक है ना, तो वो क्रेटर कहलाते हैं। ठीक, इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक जो है लोनार लेक है, लोनार लेक ही है ना, क्या नाम है उसका, जो भी एक क्रेटर लेक है उस पर भी जो है आपका जो है कोई उल्कापिंड टकराया था, तो जेजेरो क्रेटर में है मार्स के, और ये कलेक्ट करने की कोशिश करी है, हालांकि ये फेल हो गया। और नासा का परसिवरेंस मिशन जो है ये फोर्थ जनरेशन मार्स रोवर है, बायोसिग्नेचर देख रहा है भैया, ड्राइड अप लेक है, बेड है, ये जेजेरो क्रेटर जो है एक तरीके लेक बताया जा रहा है, पहले यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स में पहले पानी था ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, मार्स को पढ़ने का वहाँ पे चीज़ों समझने का ज़रूरत भी है भाई, पहले वहाँ पानी था ये पक्का है, लेकिन आज नहीं है, तो क्या ऐसे हम उसको पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे कि भैया अगर ऐसा कुछ अर्थ पे भी हो रहा है तो हम उसको पहले ही रोक लें। जैसे आज मैं जब इसको बना रहा था वीडियो को, तो उससे पहले मैंने देखा पढ़ा IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि भैया अभी इसी तरीके चला, क्लाइमेट चेंज बहुत बेहतरीन तरीके से आ भी चुका है, लो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, फ्लड ये सब हो रहे हैं, और आगे बढ़ेगा भी बहुत ज़्यादा। तो हम अगर मार्स को पढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं भैया कि वहाँ पे कोई नामो निशान किसी का नहीं बचा, तो अर्थ पे भी ऐसा ना हो, तो हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं इसे। खैर, तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकता है मार्शियन सरफेस पे, और ये जो है आपका रोवर जो है ये परसिवरेंस, और रॉक सैंपल्स को उठाएगा आपका, और आगे रॉक सैंपल को उठाने के लिए इसको मदद लेनी पड़ेगी नासा से या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। और रोवर जो है इसमें 43 टाइटेनियम सैंपल्स हैं, और ट्यूब हैं वो जेजेरो क्रेटर पे, यहाँ से रॉक और रेगोलिथ जो है टूटे हुए डस्ट और रॉक को उठाता है, उठाने के बाद 30 पे, और ये जो इनका सैम्पलिंग प्रोसेस है वो ऑटोनोमस है, सैंपल जो है उठा के हॉलो कोरिंग करके है, 7 फीट लंबी उसमें रोबोटिक आर्म में
तो उसमें चले जाएगा, इधर से जो है भर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सिंपल चीज़ है। और सैंपल जो है आगे उसको मदद मिलेगी तब हो जाएगा, ठीक। और इसमें देखिए यहाँ पे परसिवरेंस सपोज टू डू, क्या कर रहा है भैया मार्स पे, मार्स पे इसको देखिए, एक मार्स ईयर जो होता है 2 साल के बराबर होता है अर्थ के, तो एक मार्स ईयर ये परसिवरेंस रहेगा मार्स पे, मंगल ग्रह पर, और वहाँ पे जो है लैंडिंग एक्सप्लोर करेगा कई सारी चीज़ें। और जजेरो क्रेटर जहाँ पे भैया पहले बोला जा रहा कि लेक वेक था, तो वहाँ पे जो रॉक वॉक है उसको देखेगा ढंग से, समझेगा कि क्या चीज़ें हैं, वेट कंडीशन पहले थी बिलियन ऑफ ईयर पहले तो कैसे क्या थी, ठीक, अब क्यों नहीं है, तो उससे तभी तो जान पाएंगे। इसमें कई सारे 7 इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, आपका कैमरा है सुपर कैम के तरीके से, केमिकल जो संरचना कैसी है वहाँ पे रासायनिक वो देखेगा, स्पेक्ट्रोमीटर है, और आपका एक मॉक्सी नाम का इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है ना, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन मार्शियन एटमॉस्फेयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। तो मॉक्सी क्या करता है, देखो ऑक्सी बना हुआ तो ऑक्सीजन बना रहा है CO2 से, ऐसे याद कर लेना। ये इंस्ट्रूमेंट जो है काफ़ी सक्सेसफुल भी है, और जो है आपका अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोग जो है आप ह्यूमंस को भी वहाँ पे भेज पाएंगे, और वहाँ से फिर जो है रॉकेट उड़ा के वापस अर्थ पे आने पे आसानी हो जाएगी, ठीक। रोवर जो है आपका इंजेनिटी ये करके एक जो है हेलीकॉप्टर जो है वो भी लेके गया हुआ है, इसको इसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा उड़ते हुए ऐसे दिखाया था, छोटी सी फ्लाइट है, छोटा सा हेलीकॉप्टर है, बच्चों वाला, बच्चों वाले जैसे आते हैं वैसा, ठीक। और यहाँ पे यही है कि रोवर को डिज़ाइन ऐसा किया गया है परसिवरेंस को कि यहाँ कलेक्ट कर सके सैंपल्स को, और फ्यूचर मिशन को भैया वही है, अभी समझेगा क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीजन बना रहा है, तो आगे जाके हम अपना ह्यूमन मिशन या फिर फ्यूचर रोबोटिक मिशन भेज सकते हैं। नासा आपका 1958 में बन गया था, 29 जुलाई को, फाउंडर आपका डी आइजनहोवर थे, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और कमिटी आपका जो है ये इसको जो है नासा जॉनसन स्पेस सेंटर और कई सारी ये इसको वो करते हैं, ठीक। देखिए हमारा जो आज का 10 अगस्त का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम घाटे में क्यों हैं, ठीक, मैंने चीज़ बताई अभी, तो आप लोग खाली प्रेजेंटेशन करना है, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये इसको जोड़ते हुए बताना है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अभी अमेंडमेंट किया गया है इसको जोड़ते हुए, क्रिटिकली एनालाइज बोला गया है, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स जरूर बताओ, ये वाली चीज़ है। आगे और हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमनिक IESPCS। देखिए पूछा है कि स्वावलंबन चैलेंज फंड क्या चीज़ है, इसके ट्रू कौन कौन से कथन है, ये उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो है लॉन्च किया गया है, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए, और ये फंड जो होता है ये सपोर्ट करता है, मैकेनिज्म अलोकेट करता है, आवंटन करता है फंड पैसे जो है ताकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रहता है, जो जीतता है उसको जो है पैसे दिए जाते हैं, इस तरीके से है। SBI ने ये स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर क्या है कि SIDBI जो है उसने फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस UK जो है उसके साथ में मिलकर स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप से ये रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना है। इसमें वित्तीय सहायता की जाएगी जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सोशल और स्टार्टअप हैं, और सस्टेनेबल आजीविका आपका वित्तीय समावेशी और जो है वित्तीय सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं उनको जो है इसमें जो दिया जाएगा फंडिंग, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जैद तलवार 2021 से संबंधित, इसमें कौन से क्वेश्चन कौन से स्टेटमेंट सही है बताना है। देखिए भारतीय नेवी और पाकिस्तान की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज जिसका नाम है जैद तलवार, क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। इंडियन नेवी की तरफ से भैया INS Kochi गया हुआ था, और सी किंग 2 गए हुए थे आपके MK-42B हेलीकॉप्टर, और ये कहाँ पे पर्शियन गल्फ में जो डिप्लॉयड हैं वहाँ पे, ठीक, जहाँ पे पर्शियन गल्फ में मतलब तैनात है वहाँ पर। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जैद तलवार 2021 नेवल एक्सरसाइज का कि इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि अगर दो जो देश हैं जो भी पार्ट ले रहे हैं तो उनकी जो नेवी है नौसेना है वो दोनों आपस में एक साथ काम कर सकें, अभी फ्यूचर मान लीजिए कोई जो है मिशन होता है तो सिनर्जी के साथ काम करें दोनों नेवी, ये चीज़ है। देखिए इसमें सारे स्टेटमेंट तो सही हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है,
पाकिस्तान के साथ जो है हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज जो होती है वो बराबर के लोगों से की जाती है। पाकिस्तान वाकिस्तान को पीटना होगा तो हम वैसे ही पीट लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो है द्विपक्षीय है, लेकिन ये यूएई के साथ में, ठीक, सत्य पूछा गया था इसलिए जो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएई के साथ में हुई थी। और अभी ये अबू धाबी के जो है तटीय क्षेत्र पे हुआ था, जैद तलवार का नाम है, बायोलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, 7 अगस्त को हुई थी। और यूएई की तरफ से जो है डाफरा एक क्लास का एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, और पैंथर हेलीकॉप्टर है 565 भी, इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक। इंडिया की तरफ से कौन सा था? INS कोची। तो इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करा के जोड़िए, ताकि हमारा जो मिशन है लोगों का सिलेक्शन कराने का, और जैसे कि कल हम लोगों ने देखा भी CAPF के एग्ज़ाम में जो कि UPSC ही कंडक्ट कराता है, कितना बढ़िया रिजल्ट रहा है, कितना बढ़िया करंट अफेयर हम लोग का रहा है, जिसमें जो लोगों ने दिया है ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा सकें, ये हम लोग का मिशन है। और आप लोग फिर से बता दूं, UPSC और EPFO का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर ज्वाइन करना है तो 8564880530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। EPFO का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, वेबसाइट पे आके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट है।